उत्तराखंड इतिहास नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं और आज डिस्कस करेंगे कुमाऊं के अंदर चंद राजवंश। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात करी थी कत्यूरी राजवंश के बारे में, किस प्रकार से कत्यूरी राजवंश जो कि उत्तराखंड का एक स्वर्णिम काल कहा जाता है जिनके शासन को, उन्होंने किस प्रकार से राज किया और क्या कारण थे जिस वजह से कत्यूरी वंश का पतन हो गया। कत्यूरी शासक वीरदेव के बाद पूरे कत्यूरी राजा अलग अलग छोटे छोटे भागों में बंट गए, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि उन्हीं कत्यूरियों में से एक शासक हुआ करता था ब्रह्मदेव, और वो ब्रह्मदेव आके काली कुमाऊं के क्षेत्र में उसने सुई का एक किला बनाया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे चंद राजवंश। अगर कुमाऊं के हिसाब से देखा जाए तो कुमाऊं का इतिहास वास्तव में शुरू होता है चंद राजाओं से या फिर चंद राजवंश। अभी तक जितने लेक्चर हमने बनाए, चाहे वो कत्यूरी शासक हो या पौरव वंश के शासक हो या फिर कुणिंद वंश के शासक हो, किसी भी राजवंश का हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है। जो भी कुछ कहा गया है वो सिर्फ पुरातत्व के आधार पर कहा गया है, कत्यूरी शासकों के ताम्रपत्र और अभिलेखों के या फिर जागरों के आधार पर। और अगर बात करो कि कुणिंद शासक तो उनकी मुद्राओं के आधार पर, तो इन्हीं सारी चीजों अभिलेख और मुद्रा इन्हीं के आधार पर अभी तक का इतिहास हमने पढ़ा है। ये पहला ऐसा राजवंश है जिसके लिखित प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, वो है चंद राजवंश। और मध्यकालीन भारत के अंदर, मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास के अंदर चंद राजवंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश होता है, कुमाऊं के अंदर राज करता है। तो आज बात करते हैं चंद राजवंश के बारे में। चंदों में एक राजा आएगा अभयचंद। अभयचंद जब तक शासक नहीं बना तब तक तो हमें चंदों के भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, उनके भी कोई ताम्रपत्र या फिर कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होते। इसलिए अभयचंद से पूर्ववर्त के शासक, अभयचंद से पहले जो शासक आए उन शासकों का क्योंकि लिखित प्रमाण है नहीं, इसलिए सबसे बड़ा विवाद कि चंद वंश का संस्थापक था कौन, सोमचंद या फिर थुवरचंद। एक विवाद का क्वेश्चन हमेशा से ही रहा है, किसने स्थापना करी थी, सोमचंद ने या फिर थुवरचंद ने। चंद वंश का संस्थापक है सोमचंद, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन जैसे राइटरों ने सोमचंद को संस्थापक बताया, बाकी हर्षदेव जोशी जो खुद चंद राजवंश के अंदर दीवान के पद पे थे और डॉक्टर फ्रेजर जैसे लोगों ने थुवरचंद को बोला है कि ये चंद वंश का संस्थापक था। अगर थुवरचंद चंद वंश का संस्थापक था, मान के चलते देखो, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि अगर थुवरचंद चंद वंश का संस्थापक था, 1261 में राजा हुआ थुवरचंद, वंशावली के हिसाब से देखो तो ये 23वें नंबर का राजा है थुवरचंद। पर अगर हम इसी को संस्थापक मान के चले तो इस आधार पर कुमाऊं के अंदर ना तो कभी रेशम के कारखाने की स्थापना होगी और ना ही कभी कुमाऊं के अंदर खास राजाओं की एंट्री होगी, क्योंकि थुवरचंद के बाद तो सारे चंद शासक ही आए। तो हमें तो खसों का भी राज, खसों का भी अधिकार कराना है कुमाऊं के अंदर, तो इस वजह से हम थुवरचंद को शासक मान नहीं सकते। सिंपल सा कि हम लोग शासक किसको, चंद वंश का संस्थापक किसको मान के चलेंगे, सोमचंद को। अभी समझ के चलते, कत्यूरियों का जो आखिरी राजा था ब्रह्मदेव, वो ब्रह्मदेव ने अपना सुई का एक किला निर्मित किया और वो काली कुमाऊं के अंदर एंटर कर गया। वो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके, वीरदेव के बाद अराजकता का काल फैल गया था, तो इस वजह से सारे कत्यूरी अलग अलग ब्रांच में अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गए और ब्रह्मदेव ने आके सुई का किला बना दिया, काली कुमाऊं पे राज करने लग गया। अब ये सोमचंद नाम का व्यक्ति जो चंद वंश की स्थापना करेगा, ये आया कब, वो बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि लिखित प्रमाण है नहीं। वो आया कहां से, वो भी थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन जो मैक्सिमम राइटर लिखते हैं उसी के आधार पर ऐसा बोला गया, जूसी नाम की एक जगह है प्रयाग के अंदर, वहां से ये सोमचंद आया था। आने के तीन कारण दिए गए, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये किसी यात्रा पे आए थे उत्तराखंड के अंदर, ब्रह्मदेव को पसंद आ गए, ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी और इन्हें चंपावत नाम की जो जगह है, तभी राजगुंगा कहलाती थी, राजगुंगा नाम का स्थान, चंपावत नाम का स्थान वो सोमचंद को दे दिया, सोमचंद ने अपनी राजधानी बना दी और चंद वंश की स्थापना हो गई। दूसरे आधार पर अजय सिंह रावत ये बोलते हैं कि सोमचंद कन्नौज के अंदर किसी चंदपाल राजा का भाई हुआ करता था और 1018 जब महमूद गजनवी ने अटैक किया था कन्नौज पे, तो महमूद गजनवी के अटैक से बचने के लिए सोमचंद एंटर कर गए थे कुमाऊं के अंदर और संस्थापक तो सोमचंद ही है। फिलहाल संस्थापक तो सोमचंद है, टाइम पीरियड क्या होगा इनका, 700 ईस्वी मान के चलते बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे मान के चलते 700 ईस्वी के अंदर सोमचंद ने एंट्री की थी चंपावत के अंदर, हम लोग इसी को प्रमाणिक मान के चलेंगे 700 ईस्वी। हालांकि अभिलेखों के आधार पर देखा जाए तो 9वीं शताब्दी तक ललित सूरदेव जो कत्यूरी शासक था
उसका राज रहा। भाई बहुत सिंपल सी बात है भाई, सोमचंद 700 ईस्वी में अगर आता है, अगर सोमचंद का शासनकाल 700 ईस्वी है तो ब्रह्मदेव का शासनकाल भी 700 ईस्वी होगा। तो इस आधार पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता है यहाँ पर हमेशा से कि ब्रह्मदेव का शासन 700 ईस्वी कैसे हो सकता है। भाई ललित सूरदेव 9वीं शताब्दी का राजा हुआ और ब्रह्मदेव अंतिम शासकों में से एक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता है। फिर भी हम लोग बद्रीदत्त पांडे का ही रिफरेंस लेके चल रहे और 700 ईस्वी में मान के चलेंगे सोमचंद नाम का ये व्यक्ति चंद राजवंश की स्थापना ऐसा कर लेगा। सोमचंद आया था यहाँ पर, कारण क्या थे वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ पर आया तो ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर ली और दहेज के रूप में इनको राजमुंगा नाम का स्थान दे दिया, चंपावत नाम का स्थान दे दिया और वहां पर सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाई, एक किले का निर्माण किया जिस किले को राजमुंगा का किला कहा जाता है और उसी को अपनी राजधानी उस टाइम पे स्थापित कर ली। और सोमचंद इस व्यक्ति ने कुमाऊं के अंदर चंद राजवंश इसकी स्थापना कर ली, राजभुंगा का किला बनाया। अब समझते इस टाइम पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई। सोमचंद आया और उसने राजभुंगा ये किले का निर्माण कर दिया। पास के ही अंदर दूनाकोट नाम की एक जगह थी जिसे दूनकोट भी बोला जाता है, वहां पर एक राजा निवास करता था, रावत राजा ऐसा उसको कहा जाता है, शायद खास राजा रहा होगा कोई, रावत राजा वहां पर राज करता था। तो जैसा ही सोमचंद राजा बना, रावत राजा को देखो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बाहर का आदमी आके और उत्तराखंड के अंदर शासन कर रहा है, इसलिए एक युद्ध हो गया था सोमचंद और रावत इस राजा के बीच में। इस युद्ध में सोमचंद की विजय हुई। सोमचंद ने प्रशासनिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण किए, बीच में देखो इसने राजभुंगा के किले का निर्माण कर दिया और राजभुंगा किला के चारों साइड में चार और किले बना दिए। इस प्रकार से उसने चार किले साइड साइड में बना दिया और चारों किलों के अंदर एक एक किलेदार नियुक्त कर दिया। इधर बोरा जाति के लोगों को बिठा दिया, इधर कारकी जाति के लोगों को बिठा दिया, इधर तड़ागी और इधर चौधरी। इस प्रकार से उसने चार किलों का निर्माण किया और चारों किलों के अंदर एक एक किलेदार नियुक्त किया। चार किले थे, चार किलेदार, तो इनको बोला गया चारा। सबसे पहले प्रशासनिक या फिर स्थापत्य कला वो स्टार्ट कराई, राजभुंगा किला और चारों तरफ से किलों का निर्माण कराया। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों की इसने नियुक्ति करी थी, जोशी नाम के जो ब्राह्मण थे, ये पूरे चंद वंश के अंदर हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हैं जोशी नाम के ब्राह्मण। दीवान का पद इनको दिया गया है, बहुत मैक्सिमम टाइम पे दीवान रहते हैं। इसके अलावा बिष्ट नाम के रहते हैं इनके पास, जोशी बिष्ट, इस प्रकार से बहुत सारे इनके जो खास खास लोग रहेंगे जो बार बार हम लोग चंद वंश के अंदर पढ़ते रहेंगे। जोशी इन पंडितों को इन्होंने अपना दीवान नियुक्त कर दिया। फिर यहां पर सेमल्टी नाम के जो पंडित थे, इन पंडितों को इन्होंने अपना राजगुरु नियुक्त कर दिया। हम लोग सिर्फ सोमचंद की बात कर रहे हैं, तो सोमचंद ने जोशी को दीवान नियुक्त कर दिया, सेमल्टी राजगुरु इनको बना दिया। ऐसे ही मंडलिया कुछ पंडित होते थे, मंडलिया पंडितों को भी एंट्री दिला दी यहाँ पर। कुल मिला के चार जाति के पंडितों का एक दल बनाया, क्योंकि चार पंडित हो गए थे इसलिए इन ब्राह्मणों को चौथानी ब्राह्मण कहा गया। तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करी थी किसने, सोमचंद ने। चार ब्राह्मण जो स्पेशल रहेंगे, जो राजवंश के अंदर, इस चंद राजवंश के अंदर बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इनको चौथानी ब्राह्मण कहा गया। इन चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी सोमचंद ने करी थी, चार किलेदार बनाए थे और उन चार किलेदारों को चाराल ऐसा बोला गया। अभी देखो जब सोमचंद की एंट्री हुई तो उस टाइम पे चंपावत के अंदर स्थिति क्या थी। इस टाइम पे यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो जाति हुआ करती थी उनमें मेहरा और फड़त्याल दो जाति थी। देखो कुल मिला के पूरा चंपावत पांच थोक के अंदर बटा हुआ था, मेहरा, फड़त्याल, देव, डेक और करायत, ये पांच जाति के लोग इस टाइम पे चंपावत के अंदर राज कर रहे थे। इन पांच जाति के लोगों, मेहरा, फड़त्याल, देव, डेक और करायत, जो ये पांच जाति के लोग राज कर रहे थे, इनके ऊपर यहां सोमचंद एक नया प्लान बना लेता है और सोमचंद डिसाइड कर दिया यहां पर कि मैं एक नई व्यवस्था की शुरुआत करूंगा जिसको पंचायती राज व्यवस्था बोला गया। भाई पंचायती राज व्यवस्था का मतलब कि ग्रामीण व्यवस्था यहां पर बनाई जाएगी, गांव के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर एक व्यक्ति की नियुक्ति कर देगा जिसको सयाना बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है, कुछ पंचों की नियुक्ति कर देगा। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था इसकी भी शुरुआत कर ली। चार लोगों को चुना गया, चार सबसे बूढ़े लोगों को सयाना जिनको बोला गया, और उन चार लोगों को भेजा गया कि आपका कार्य टैक्स कलेक्ट करने का। जब वो चार लोग यहां पर टैक्स कलेक्ट करने गए तो ऐसा बोला जाता है ये मेहरा, फड़त्याल, देव, डेक और करायत ने चारों लोगों का सर काट दिया। सर काटने के बाद उनको एक जगह में उनका सर दफना दिया, वहां पर एक चबूतरे का निर्माण भी कर दिया, उस जगह को बुढ़चोरा ऐसा बोला गया है। बुढ़चोरा रिपीट करेंगे आगे जाके, देखो बुढ़चोरा एक महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, तो बुढ़चोरा का भी निर्माण कर दिया। इससे सोमचंद को क्लियर हो गया भाई इन जातियों से जीतना थोड़ा मुश्किल है, मेहरा, फड़त्याल, देव, डेक, करायत, इसलिए इसने मेहरा जाति से एक व्यक्ति को और फड़त्याल जाति से एक व्यक्ति, यहां से एक एक व्यक्ति उठाया और इन दोनों व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया पंच के तौर पे। ये ऐसा मान के चल सकते हैं कि पूरे चंद वंश के अंदर
मेहरा और फर्त्याल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरेंगे, महत्वपूर्ण सैनिकों के तौर पर उभरेंगे, इसका कार्य भी सोमचंद ने कर दिया। पांच थोक रहा करते थे, उनमें से दो थोक मेहरा और फर्त्याल, इनको थोड़ा महत्वपूर्ण पद यहां पर दे दिए। आगे चंद्रवंश में पढ़ेंगे यही मेहरा और फर्त्याल जब भी विद्रोह की बात होती है, जब मोहन सिंह रौतेला जैसे व्यक्ति आते हैं तो यही फर्त्याल जाति से ही वो मोहन सिंह रौतेला नाम के व्यक्ति आते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो सोमचंद आया 700 ईस्वी में और 700 ईस्वी के अंदर ये कुमाऊं के अंदर एक नई व्यवस्था स्टार्ट कर लेगा, एक नए वंश की शुरुआत कर लेगा, जिसको हम लोग चंद राजवंश ऐसा बोला जाता है। राजभुंगा का किला बनाया, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, इसके साथ में चाराल नियुक्त करे, चार किलेदार थे, पांच में रावत राजा के साथ इसने युद्ध किया, इसके अंदर इसका एक सेनापति होता था। देखो इसके चारालों में से तड़ागी नाम के जो सैनिक इसके होते थे, जो किलेदार होते थे, वो सबसे बहादुर, उनमें से कालू तड़ागी ये था इसका सेनापति। जब इसने रावत राजा के साथ दूनाकोट का युद्ध किया था, इस युद्ध में सोमचंद की विजय हो गई। 700 ईस्वी के अंदर सोमचंद राजा बन गया और इसने चंद राजवंश की स्थापना कर दी। हालांकि चंद राजवंश की स्थापना हो गई है, लेकिन इसके बावजूद सोमचंद एक स्वतंत्र शासक नहीं था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी कि कचूरी शासक फैल चुके थे सारी जगहों पे, और उन्हीं में से सबसे प्रभावशाली या सबसे शक्तिशाली अगर कोई राज्य उस टाइम पे होता था तो वो डोटी था। डोटी नेपाल के अंदर, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे हम लोग मान के चल सकते हैं, डोटी राज्य उस टाइम पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इसलिए सोमचंद एक स्वतंत्र राजा नहीं था, वो भी एक मांडलिक राजा हुआ करता था। भाई जिसे हम भारत के इतिहास में सामंत कहते हैं, उसी को हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में मांडलिक राजा कहते हैं, ऐसे राजा जो किसी दूसरे राजा के अधीन होते। तो सोमचंद टैक्स पे करता था डोटी के राजा को, वो स्वतंत्र शासक नहीं था। तो हमें ये देखना है कि पहला स्वतंत्र शासक चंद राजवंश के अंदर कौन आता है, कौन सा पहला ऐसा राजा आएगा जो डोटी के राजा के खिलाफ बगावत करेगा, या फिर जिसने टैक्स देने से मना कर दिया, या फिर जिसने युद्ध कर दिया। तो पहला शासक आया सोमचंद। सोमचंद 700 ईस्वी के अंदर राजा बना और 700 से 721 ईस्वी तक इसने राज किया। इसके बाद इसका बेटा राजा बन गया और इसके बेटे का नाम था आत्मचंद। आत्मचंद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें नहीं, देखो आत्मचंद बस इतना ही, सोमचंद का बेटा था, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए नहीं। देखो आत्मचंद के बाद राजा बना पूर्णचंद, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं हमारे पास। देखो कि भाई पूर्णचंद था, शासक बन गया, बस ऐसा कहा जाता है कि शिकार का बहुत शौकीन हुआ करता था पूर्णचंद, ये तो कोई महत्वपूर्ण सवाल हुआ नहीं। बाकी पूर्णचंद के बाद राजा बनता है इंद्रचंद। अब इंद्रचंद थोड़ा सा महत्वपूर्ण, दो चार बाद में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 758 के अंदर राजा बनता है इंद्रचंद, 758 ईस्वी राजा बनेगा इंद्रचंद और 788 ईस्वी तक इसने कुमाऊं के अंदर राज किया। अब देखो इंद्रचंद को महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्यों? इंद्रचंद वो पहला शासक है कुमाऊं के चंद राजवंश में, या हम संपूर्ण उत्तराखंड की बात भी करें तो भी यही पहला शासक है जिसने उत्तराखंड में रेशम का कारखाना स्थापित किया चंपावत के अंदर। और ये कहानी कहीं 758-760 की है, जब इसने रेशम उत्पादन स्टार्ट करवाया, रेशम के कीड़े मंगवाए गए, रेशम उत्पादन। देखो रेशम का जन्मदाता जो देश है वो तिब्बत है, वो चाइना है, लेकिन ये चाइना से नहीं लेके आया। देखो रेशम के लिए ये चले गया नेपाल, नेपाल में उस टाइम पे एक राजा सोंगजोंगपो नाम का कोई राजा था। सोंगजोंगपोंग नाम का जो ये शासक हुआ करता था, इसकी कोई गोरख्याणी रानी, वो चाइना से लेके आई थी रेशम के कीड़े। और यहां से इंद्रचंद गया सोंगजोंगपोंग की रानी से, इसने रेशम लेके आया और रेशम को उत्तराखंड में चंपावत के अंदर रेशम का एक कारखाना स्थापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है जब ये रेशम के कीड़े यहां पर लाया तो बहुत अच्छा उत्पादन नहीं हुआ उस रेशमों से, तो वो रेशम के कीड़े जो लाए उसमें से मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि नेपाल से इसको ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई कि भाई झूठ बोलो, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा झूठ बोलने से ये रेशम के कीड़े बहुत अच्छा उत्पादन करेंगे, ऐसी कुछ प्रथाएं चलने लगी। तो राजा के शासनकाल में ये भी घटना चलने लगी कि जितना ज्यादा झूठ बोलेगा साम्राज्य के अंदर, जितना झूठ फैलेगा उतनी ही अच्छी तरीके से ये रेशम का उत्पादन होता है। इसलिए एक नई प्रथा चलती है, उसको हम लोग पटरंग वाली की प्रथा बोलती है। तो ये पटरंग वाली की जो प्रथा है ये भी राजा इंद्रचंद के शासनकाल से ही शुरू होती है। पटरंग वाली की प्रथा की, भाई राजा एक दिन बोल रहा है कि मैं शाम को भाई पूजा पाठ करने बैठा राजा, अभी हंसने लग गए लोगों ने, बोला क्या हो गया, तो बोला कि दिल्ली के अंदर था भाई, मैं दिल्ली में कोई राजा इस टाइम पे रहा होगा, तो बोला उस राजा के दरबार में बैठा हुआ था, नाचने वाली का पैर फिसल गया इसलिए मेरा हंसी आ गई। मैं तो
और फिर लोग भी बोल रहे भाई दिल्ली में भी पूछा बात सच है। तो ऐसी कुछ प्रथाएं चलने लगी जिनको बोला गया कि ये पटरंग वाली प्रथा, ऐसा कुछ बोला जाता है। अभी इंद्रचंद के बाद संसार चंद, सुधा चंद, हमीर चंद, हरिचंद, बहुत सारे अलग अलग शासकों ने चंद राजवंश में कुमाऊं के अंदर राज किया, लेकिन वो महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। महत्वपूर्ण शासक हमारे पास इसके बाद 856 ईस्वी के अंदर आता है, नाम था वीणाचंद। वीणाचंद नाम का राजा ये 856 ईस्वी में कुमाऊं की गद्दी पर आश्रित होता है। 856 से 869 तक राज किया था इस वीणाचंद ने, और वीणाचंद के टाइम पे इतिहास में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये जो वीणाचंद था 856 में राजा बना, इसके बारे में बोला गया कि ये राजा एक विलासी राजा हुआ, भोग विलास ज्यादा पसंद था, बस शराब पियो, डांस देखो, ऐसा ही कुछ चल रहा था वीणाचंद के शासनकाल में। तो राजा को विलासी राजा की संज्ञा दी गई है क्योंकि भोग विलासिता में व्यस्त रहता था। चंदों में मैक्सिमम राजा ऐसे देखने को मिलेंगे जो अपने उत्तरवर्ती शासनकाल के टाइम पे भोग विलास के अंदर ज्यादा लिप्त हो जाते। देखो दो चार बातों को समझ के चलते, क्योंकि राजा विलासी हुआ तो इस वजह से ये भारत के इतिहास के अंदर भी देख लो, जब भी चाहे वो मोहम्मद तुगलक हो चाहे वो मोहम्मद सारंगीला हो, जब भी राजा भोग विलास के अंदर जाते हैं तो साम्राज्य का पतन निश्चित है। ऐसा ही कुछ चंद राजवंश के अंदर हुआ। वीणाचंद विलासी हुआ, वीणाचंद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और ये राजा खुद में विलासी था, तो ऐसे टाइम पे जो खस राजा बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे यहां पर अटैक करने का, उन्होंने अटैक कर लिया और खसों ने अटैक किया, और इसके बाद आने वाले 200 साल तक उत्तराखंड के इस क्षेत्र में चंपावत यानी कि काली कुमाऊं के क्षेत्र में खस राजाओं का अधिकार हो गया। नेक्स्ट 200 साल तक, आने वाले 200 साल तक यहां पर अब चंद्रवंश थोड़ा देर के लिए डंप, और अब स्टार्ट हो गया कौन सा, खस शासन स्टार्ट हो गया। तो वो थोरचंद वाला जो डाउट है वो भी शायद यही से स्टार्ट होता है। देखो समझते भाई, खस राजाओं ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। खसों की शासन व्यवस्था चंदों की तुलना में बहुत बेकार थी, जनता खसों से खुश नहीं थी, खस एक हिसाब से अत्याचारी शासक माने जाते हैं। तो इन्होंने आने वाले 200 साल तक वहां की जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया। अब रिटर्न किसको करें, जब जनता के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम, देखो जब भी खसों ने अटैक किया था सारे चंद शासक भाग के या तो तराई बाबर में चले गए थे रुद्रपुर की साइड में, कुछ वहां से नेपाल के अंदर भाग के चले गए थे। बीच में इन्हीं के बीच में एक राजा होता है संसार चंद, जो इंद्रचंद के बाद शासक बनता है, उसका ही कोई रिश्तेदार था जो भाग के नेपाल के अंदर चले गया था, उसको वापिस बुलाया, नाम था वीरचंद। 1065 के अंदर री एंट्री करवा लेंगे हम, वीरचंद नाम का शासक 1065 में इसको वापिस बुलाया गया और इसको बोला गया भाई अभी राजा बनना, वापिस भाई चंद्र राजवंश की स्थापना करनी है, इसलिए वीरचंद को वापिस बुला दिया नेपाल के अंदर से। इसका राज्याभिषेक ऐसा कुछ बातें चलने लगी भाई तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे चंद्र राजवंश के अंदर, एक नया साम्राज्य को स्थापित करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम थी ना तो मेहरा, ना ही फड़त्याल, ना जोशी, ना बिष्ट, सारे के सारे लोग इधर उधर भाग चुके थे क्योंकि खस राजाओं का अधिकार हो गया था। इसलिए एक व्यक्ति को अपना बहादुर नियुक्त करता है और उस व्यक्ति का नाम था सोन खड़ायन। सोन खड़ायन नाम के व्यक्ति को इस वीरचंद ने अपना बहादुर नियुक्त किया और बोला कि कलेक्ट करो, वापिस चंदों की सेना को एकत्रित करो और हम लोग फिर से वापिस जाके यहाँ पर राज करेंगे, और 1065 के अंदर खस राजाओं को हरा दिया। जब वीरचंद वापिस आया और इसने खस राजाओं से युद्ध किया था तो वो अंतिम खस राजा जो था उसका नाम था सोपाल। सोपाल नाम के खस राजा को हरा के 1065 के अंदर राजा वापिस हमारे पास वीरचंद बन गया। 1065 से लेके 1080 तक का जो शासनकाल था वो वीरचंद का शासनकाल था। वीरचंद को सिर्फ इसलिए याद रखेंगे कि वापिस फिर से चंद वंश इसको कलेक्ट करने का काम, जो चंद वंश समाप्त हो गया था खस राजाओं की अटैक की वजह से, उसको वापिस से पुनर्जीवित करने का श्रेय जो जाता है वो वीरचंद को जाता है। वीरचंद के बाद फिर से वैसे ही था। तब भाई ध्यान रखना है ये शासक स्वतंत्र नहीं थे, ये शासक डोटी के राजा को टैक्स देते थे, एक मांडलिक राजा हुआ करते थे। रूपचंद, धर्मचंद, कल्याणचंद प्रथम, ऐसे बहुत सारे राजा, थोरचंद इसी के अंदर देखो 1261 के टाइम पे थोरचंद का भी एंट्री हो जाएगा। ये सारे के सारे शासक इस टाइम पे यहां पर राज कर रहे थे। एक शासक छोटा सा है नानकीचंद, ये एक व्यक्ति हुआ। नानकीचंद नाम से एक राजा हमें देखने को मिलता है 1175 से लेके और 1195 तक इसका अधिकार है। तो यहां पर थोड़ा बहुत ऐसा वर्णन मिलता है कि नानकीचंद के शासनकाल में उत्तराखंड के अंदर अशोक चल, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं अशोक चल के बारे में, अशोक चल ने अटैक कर दिया था। अशोक चल के दो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं 1191 बाड़ाहाट के अंदर, अशोक चल का दूसरा अभिलेख 1209 के अंदर गोपेश्वर के अंदर। अशोक चल ने अटैक किया मतलब अभी चल वंश की ही सत्ता रही, पूरे उत्तराखंड पे राज किया था चल वंश ने और पूरे उत्तराखंड को विजित कर दिया था इसी अशोक चल ने। बोला जाता है कि उत्तराखंड को जीतने के बाद ये बिहार के अंदर गया, बिहार को भी लगभग लगभग ऑलमोस्ट इसने जीत लिया था क्योंकि तीन अभिलेख
हमें बिहार के अंदर भी मिलती है अशोक जल की, वहां पर इसको शिवालिक का राजा बोला गया है। शिवालिक उस टाइम पे गढ़वाल कुमाऊं सभी के लिए शिवालिक वर्ड वहां यूज हुआ है, और बोला गया है कि ये अशोक जल जो है वो सपाल दत्त का राजा है। तो कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तुमसे कि बोध गया के अशोक जल अभिलेख के अंदर शिवालिक को या उत्तराखंड को क्या नाम बोला गया है, तो वहां पर सपाल दत्त यूज किया है उत्तराखंड के लिए, और ये राजा हमारे पास आया कौन सा, तो इसका नाम था नानकी चंद के टाइम पीरियड की कोई घटना। इसके बाद फिर से शासकों का ऐसा ही देखो दौर चलने लग जाएगा। बाकी हमारे साथ मेन जो राजा जुड़ेगा वो 25वां नंबर राजा है और नाम था त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद नाम का शासक 25वें नंबर का शासक। त्रिलोकचंद 1296 के अंदर राजा बनता है। 1296 याद रखना बहुत जरूरी, त्रिलोकचंद को 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी, देखो खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी, तो इसके समकालीन खिलजी वंश चल रहे। 1296 से 1303 त्रिलोकचंद शासक बना। इस शासक को याद रखेंगे क्योंकि इसने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार का काम किया। पहले इनका जो क्षेत्र था वो सिर्फ चंपावत तक था, अभी इसने अपनी राजधानी को थोड़ा सा विस्तृत किया, और ऐसा बोला जाता है कि नैनीताल का थोड़ा बहुत जो भाग था वो त्रिलोकचंद ने अपने अपने ही कब्जे में थोड़ा बहुत ही कर लिया। यहां तक जितने भी राजा थे इन राजाओं के कोई ताम्रपत्र कोई अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होते, मतलब इनके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। पहला जो शासक था वो अभयचंद था, त्रिलोकचंद अभयचंद नाम का ये शासक जिसके लिखित प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत। तो अभयचंद के बाद के जितने भी शासक होंगे वो सारे के सारे हम लोग कवर करके चलेंगे। अभयचंद का बेटा वह सबसे महत्वपूर्ण शासक, उसका नाम था ज्ञानचंद। अभयचंद के बाद जो राजा बनता है वो है हमारे पास ज्ञानचंद। 29वें नंबर का राजा था ज्ञानचंद। पहली बार ज्ञानचंद आ रहा है तो इसलिए इसको ज्ञानचंद प्रथम भी बोला जा सकता है, या फिर इसको गरुड़ ज्ञानचंद ऐसा नाम से भी बोला जाता है। अभी जैसा ही ज्ञानचंद राजा बना, एक तो इसका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है, गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, 1374 से लेके और 1416 ऐसा बद्रीदत्त पांडे ने बताया इसका शासनकाल, कहीं 1418 कहीं 1420 भी तुमको देखने को मिलेगा। ज्ञानचंद 1374 के अंदर चंद वंश का राजा बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा। देखो इसके बारे में दो चार बातें समझते। ज्ञानचंद का एक सेनापति हुआ करता था, नाम था नीलू कठायत। नीलू कठायत जिस प्रकार से गढ़वाल के अंदर माधो सिंह भंडारी फेमस है, ऐसा ही कुमाऊं के अंदर ये नीलू कठायत बहुत ज्यादा फेमस है। 1375 के आसपास में इनके शासनकाल का जो निचला क्षेत्र था, उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र था, तराई बाबर वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर रोहेलखंड के शासकों ने अटैक करना शुरू कर दिया। रोहिला अटैक शुरू हो गए 1375 के टाइम। नीलू कठायत ने बहादुरी से सामना किया, उन शासकों को वापिस भी भगाया, लेकिन रोहिलाओं के सामने चंद शासकों की सेना थोड़ा सा धीमी पड़ गई। इसके लिए ज्ञानचंद प्रथम हेल्प मांगने चले गया सीधा दिल्ली के राज दरबार में। 1374 का शासनकाल है, खिलजी वंश यहां चल रहा था 1296 के आसपास, अभी खिलजी के जस्ट नेक्स्ट वंश स्टार्ट हो गया था तुगलक वंश। तो ज्ञानचंद प्रथम या गरुड़ ज्ञानचंद पहला वो शासक जो दिल्ली के अंदर किसी मुगल राजा के दरबार में गया। फिरोज शाह तुगलक उस टाइम पे भारत का राजा हुआ करता था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में पहुंच गया। फिरोज शाह तुगलक उस टाइम पे बोला जाता है शिकार खेल रहे थे, किसी गरुड़ का शिकार कर रहे थे, भाई उनसे गरुड़ मारा नहीं जा रहा था, इसने एक तीर में मार दिया ज्ञानचंद प्रथम ने, इसलिए बोला जाता है इसको उपाधि दे दी थी गरुड़ की उपाधि। दो तीन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। पहली चीज, ज्ञानचंद प्रथम वो पहला शासक जो दिल्ली के दरबार में गया, किस राजा के दरबार में गया, तुगलक वंश से। कहीं कहीं मोहम्मद तुगलक भी देखने को मिलता है, लेकिन अरेंज कर लो, खुद से आप अरेंज कर सकते हो। 1374 से 1416 ये मोहम्मद तुगलक का शासनकाल नहीं है। और मेन चीज ध्यान रखनी है कि इसके ठीक पहले का जो राजा था अभयचंद, अभयचंद के शासनकाल में मोहम्मद तुगलक ने कुमाऊं पर आक्रमण भी किया था। ऐसा नहीं कि देखो सीधा जाके तैमूरलंग ने आक्रमण किया हो, नसीरुद्दीन महमूद पहला मुगल है जिसने उत्तराखंड पे आक्रमण किया, लेकिन उसने उत्तराखंड में जब आक्रमण किया तो वो कालसी पे किया, और कालसी उस टाइम पे सिरमौर राज्य की राजधानी मतलब हिमाचल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद मोहम्मद तुगलक हार गया था यहाँ पे, और इसके बाद ज्ञानचंद, तो ज्ञानचंद का समकालीन फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया और इसको उपाधि मिली थी गरुड़। यहां से इतिहासकार दो चार प्रमाण लेके चलते, बट क्योंकि गरुड़ की उपाधि मिली इसलिए बोला गया कि ये राजा शायद विष्णु का उपासक रहा होगा, और इसने अपना राज चिन्ह इन्होंने गरुड़ को ही बना दिया था ज्ञानचंद के शासनकाल से। ज्ञानचंद के शासनकाल में तो एटलीस्ट ये मान के चलेंगे कि इनका जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। बाकी ज्ञानचंद प्रथम का मेन जो सैनिक था वो
नीलू कठायत, नीलू कठायत के बारे में भी इधर कहानी आती। बोला नीलू कठायत एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ। देखो कुमैया खिलत एक बहुत बड़ी उपाधि होती थी जो चंद राजा किसी भी एक आम सैनिक को दिया करते थे। तो कुमैया खिलत की इसको उपाधि दी थी क्योंकि इसने रोहिलाओं को यहां से भगाया था, ये जो दक्षिण वाले भाग पे अटैक कर दिया था। तो कुमैया खिलत ऐसी उपाधि ये भी दी गई थी नीलू कठायत को, और बदले में भूमि भी दे दी थी रौद भूमि। भाई रौद भूमि क्या होती है? रौद भूमि वो भूमि होती थी जो चंद शासक असाधारण बहादुरी, कोई बहुत ज्यादा बहादुरी का काम कर दे, तो ऐसे में जो भूमि सैनिकों को दी जाती थी, सेनापतियों को दी जाती थी या किसी भी व्यक्ति को दी जाती थी, उसको रौद भूमि कहा जाता था। तीन गांव रौद भूमि में इसको दे दिए गए थे, कुमैया खिलत की इसको उपाधि दी। बाद में कोई दिक्कत होगी, देखो नीलू कठायत और एक कस्सा कमलेखी नाम का एक इसका दुश्मन हुआ करता था, जिसकी वजह से कुछ इधर विवाद हो गया, इससे इसकी सारी जायदाद छीन ली गई। तो नीलू कठायत ने आके उस कस्सा मकलेखी की मृत्यु कर मार दिया था, देखो उसको, बाकी ज्ञानचंद को नहीं मारा। तो बहुत राज भक्त माना जाता नीलू कठायत। बाद में ध्यान रखना, जब हम लोग घूम के तिरमल चंद पे पहुंचेंगे, तिरमल चंद के दरबार में भी ऐसी कुछ घटना हो गई थी कि उसको किसी पर भरोसा नहीं रह गया था, खाद क्योंकि उस टाइम पे विद्रोह चल रहे थे। अभी खाना बनाने के लिए किसको बुलाया जाए? तो बोला भाई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सबसे ज्यादा राजभक्त होगा, यही नीलू कठायत। इसी नीलू कठायत की फैमिली से लक्ष्मी कठायत लोगों को बुलाकर राज दरबार में खाना बनाने का कार्य भी किया गया। तो मतलब इंपोर्टेंट आदमी नीलू कठायत, राजभक्ति के लिए याद रखेंगे। बाकी नीलू कठायत के दोनों बेटों को मरवा दिया था ज्ञानचंद ने, इसकी वजह से ज्ञानचंद इसकी पूरे राज्य के अंदर थोड़ा सा बुराई भी हुई थी। देखो लोगों ने ऐसा भूल, जब राजा ने नीलू कठायत जैसे व्यक्ति को मरवा दिया, थोड़ा सा दिक्कत आ गई। अब देखो ज्ञानचंद के बाद हरिचंद सेकंड राजा बना, लेकिन ये सिर्फ एक साल तक राज करेगा, उसके अलावा राज नहीं कर पाया। बाकी हरिचंद का बेटा राजा बनता है उद्यानचंद। अगला जो शासक हमारे पास आया वो आया उद्यानचंद। अभी उद्यानचंद के बारे में क्या, क्योंकि इसके दादा ने, उद्यानचंद के दादा ज्ञानचंद ने एक तो नीलू कठायत को मरवा दिया था, ऊपर से नीलू कठायत के दोनों बेटों की आंखें फोड़ दी थी। आंखें फोड़ने का बहुत बड़ा रिवाज है, आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग चंद राजवंश के अंदर। यहां पर इनकी आंखें फोड़वा दी थी, इसलिए उद्यानचंद जीवन भर, देखो सारी जिंदगी भर ये एक ही काम करते रहा कि इसको प्रायश्चित, बस मुझे प्रायश्चित करना है। उद्यानचंद भी इन्वॉल्व था जब नीलू कठायत के बेटों की आंखें फोड़ी गई, इसलिए उद्यानचंद एक धार्मिक राजा हो गया। प्रायश्चित प्रायश्चित ये सारे काम उद्यानचंद ने स्टार्ट कर दिए। चंपावत राजधानी होती थी, वहां पर एक मंदिर बलेश्वर मंदिर, चंपावत के अंदर बलेश्वर मंदिर का इसने निर्माण किया। किधर किधर बोलते हैं कि कत्यूरी टाइम पे बना हुआ था चंपावत का बलेश्वर मंदिर, लेकिन चंपावत बलेश्वर मंदिर इसको निर्माण करने का श्रेय ऐसा बोला जाता है उद्यानचंद को। और ध्यान रखना, एक बार शायद क्वेश्चन पूछ भी लिया कहीं, इस बलेश्वर मंदिर को फिर नए सिरे से बनाया था उद्योतचंद ने। तभी उद्योतचंद पे जब जाएंगे तो वहां इसको पढ़ेंगे, चंपावत के अंदर बलेश्वर मंदिर इसका भी इसने निर्माण कर दिया। अब देखो उद्यानचंद के बाद शासक बना हमारे पास विक्रमचंद, उद्यानचंद और इसके बाद राजा बना कौन सा? विक्रमचंद। तो जैसे ही विक्रमचंद शासक बना 1423 से 1437 के आसपास इसने राज किया, बस यही कि बलेश्वर मंदिर के अंदर इसने क्या कर दिया, वो जो इसके अभिलेख वगैरह थे या यहां पर ताम्रपत्र भेंट करे, कुछ इसका जीर्णोद्धार कराया, यही सारी कहानी विक्रमचंद तक। अब देखो विक्रमचंद एक सही शासक था, ओके था शासक, विक्रमचंद के साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने उत्तरवर्ती समय पे, अपने राज्य के अंतिम समय पे विक्रमचंद भी भोग विलास के अंदर आ गया, विलासी हो गया राजा। राजा शराब पिएगा, राजा भोग विलास में रहेगा, तो जनता उसका विद्रोह करेगी। यहां पर सबसे बड़ा विद्रोह इसी विक्रमचंद के भतीजे ने कर दिया। भाई इसके भतीजे का नाम है भारतीचंद, और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण राजा वो भी हो जाएगा भारतीचंद। 1437 के अंदर ये राजा बनता है और 1450 तक ये राजगद्दी पर रहेगा। 1437 से लेके 1450 तक भारती चंद नाम का ये शासक राज करेगा चंद राजवंश में। पहला बड़ा शासक है हमारे पास, अभी तक जितने राजाओं को हमने पढ़ा उनमें से पहला शासक जिसको हम लोग एक महान शासक बोल सकते हैं। इसको अभिलेखों के अंदर साहसी राजा बोला गया है, बहादुर राजा बोला गया। देखो क्या, अभी तक के जितने भी चंद्रवंश के शासक थे वो सारे के सारे चंद्रवंश के शासक डोटी के राजा को टैक्स देते थे, मतलब वो मांडलिक राजा हुआ करते थे, मतलब वो किसी के अधीन हुआ करते थे। ये पहला व्यक्ति है जिसने डोटी की दासता को समाप्त करने का डिसीजन लिया और अपनी सेना लेके निकल गया था डोटी पर अटैक करने के लिए। तो अब भी स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है चंद राजवंश का, तो भारती चंद है प्रथम स्वतंत्र शासक जो कि किसी को टैक्स पे नहीं करता था। जो वो लोग टैक्स देते थे डोटी को, उसी दास्ता को खत्म करने के लिए ये डोटी राज्य पर अटैक कर लेता है राजा बनते ही 1437 के अंदर।
अभी डोटी राज्य पर अटैक करता है और डोटी राज्य को बाद में फाइनली जीत भी जाता है, मतलब स्वतंत्र शासक जो हुआ करता था वो यही था पहला भारतीय चंद्र। यहाँ की कहानी को समझते, आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, बल्कि सबसे बड़ा जो राज्य था वो डोटी था। डोटी राज्य हुआ करता था, सोर राज्य हुआ करता था, सीरा राज्य हुआ करता था। डोटी का शासक इस टाइम पे जयमल था, किधर किधर किताब में यक्षमल भी देखने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही शासक के नाम, जयमल यहाँ का शासक हुआ करता था। सोर में बम राजाओं का राज था, विजय बम नाम का राजा ये सोर के अंदर इस टाइम पे राज कर रहा था। जब इसने एंटर किया तो विजयमल वो यहाँ पर राज कर रहा था। सीरा के अंदर संसारमल नाम का ये राजा इस टाइम पे सीरा क्षेत्र के अंदर राज कर रहा था। जैसा ही भारती चंद अटैक करेगा यहाँ पर, देखो अटैक किया था सबसे पहले कहाँ, डोटी पर। डोटी जीतने के बाद ये सोर भी जीतेगा, ये सीरा भी जीतेगा। हाँ चलिए एक बार स्टार्ट करते भारतीय चंद 1433। देखो स्टार्टिंग करते ही सबसे पहले इसने अटैक कर दिया था डोटी के अंदर, डोटी अटैक किया और जयमल वहां का राजा हुआ करता था। भाई इस राज्य को जीतने के बाद ये लगातार सोर सीरा ये सारे राज्य को जीतेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, देखो 1437 के अंदर भारतीय चंद अपनी पूरी सेना के साथ अटैक कर दिया डोटी राज्य के अंदर और यहाँ युद्ध शुरू हो गया 12 वर्षीय युद्ध। तो इसको भी ध्यान रखना है कौन सा चंद शासक ऐसा है जिसके शासनकाल में 12 वर्षीय युद्ध इसकी शुरुआत हुई, तो भारतीय चंद के शासनकाल में 12 वर्षीय युद्ध इसकी भी शुरुआत हुई। रीजन बहुत क्लियर था, डोटी राज्य बहुत बड़ा था और एक मांडलिक राजा, एक डोटी राजा को जीतना बहुत ही टफ था, वहां का शासक उस टाइम पे जयमल हुआ करता था। वैसे भी मलवंश के शासक बहुत ज्यादा बहादुर होते थे, ये लगातार युद्ध नहीं जीत रहा है, इसके बारे में छोटी सी कहानी भी आती है। देखो जिस टाइम पे भारतीय चंद ने डोटी पे अटैक किया तो इसके सैनिक पिछले 12 सालों से घर नहीं गए थे। देखो बहुत सारे ऐसे होंगे जो भाई 24 25 26 साल में आ गए वहां, तो 30 40 साल के होंगे, 12 साल से लगातार युद्ध में। इसलिए देखो भारतीय चंद ने एक नई प्रथा की शुरुआत करी थी, उस प्रथा को बोला गया कट्टकाली प्रथा, कट्टकाली प्रथा ऐसा बोला गया। इस टाइम पीरियड में बिना शादी के किसी को अपने घर में किसी औरत को नहीं रखा जा सकता था। भाई कट्टकाली की एक प्रथा चलाई थी भारतीय चंद ने कि जितने भी राजपूत होंगे जो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं वो आज के बाद बिना शादी के किसी भी औरत को अपने घर में रख सकते हैं, इस प्रथा को कट्टकाली की प्रथा बोला गया। इस क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, इस क्षेत्र में 12 वर्ष तक जितने भी सैनिक थे उन्होंने देखो जिससे मर्जी देखो उससे शादी कर सकते, भाई शादी तो नहीं बोल सकते, बिना शादी के किसी के साथ भी रह सकते, किसी को भी घर में रह सकते। तो यहां पर इनकी बहुत सारी संतान भी हो गई। देखो ये राजा बाकी जब ये वापस घर आए तो उनको वहीं छोड़ दिया, पूरा परिवार उधर ही छोड़ दिया। ए स्पेशल एक अलग जाति बन गई और इस जाति को हम लोग नायक जाति के नाम से बोलते हैं। नायक जाति का जो उत्थान हुआ था इनको समाज में बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता था, नायक जाति इनका उत्थान भी भारतीय चंद की देन है। जब भारतीय चंद ने अटैक किया उस टाइम पे इसके बहादुर थे, जितने भी बहादुर सैनिक इसके थे इसने ऐसा ऑर्डर पास, भाई राजा ही बोल रहा है बिना शादी किसी को गर्म रख सकते, अब बाकी बात हम राजा बोला छोड़ के वापिस आ जाओ, तो ऐसी कुछ पड़ता हो गई नायक जाति। नायक जाति बहुत बुरी दृष्टि देखी जाती थी कुमाऊं में, इसलिए ध्यान रखना 1919 में कुमाऊं परिषद की कोशिशों की वजह से नायक सुधार आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। नैनीताल के अंदर नायक सुधार समिति की स्थापना करी गई थी जिन्होंने नायक जाति की लड़कियों के लिए अलग से पढ़ने लिखने की व्यवस्था करी थी ताकि इनका भी कुछ उत्थान हो जाए। तो ये नायक जाति तो बताओ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी रिकवर करेंगे, पर यहां समझना ये नायक जाति की शुरुआत कहां से हो गई थी, इसी भारतीय चंद के शासनकाल से हो गई थी। डोटी राज्य को जीता, देखो जीत नहीं पा रहा था डोटी राज्य को, इसलिए इसका बेटा है भारतीय चंद का बेटा हुआ रत्न चंद। अभी 1449 के अंदर रत्नचंद इसने कटिहार राजाओं से हेल्प लेके अपने पिता की हेल्प करने आ गया और डोटी राज्य को जीत गया। पहले डोटी जीता, इसके बाद देखो सोर जीता, इसके बाद सीरा जीता। भाई साम्राज्य विस्तार सबसे पहले तो हालांकि त्रिलोक चंद ने किया पर बिना युद्ध का साम्राज्य विस्तार था। बाकी डोटी राज्य पे अटैक करने वाला पहला शासक भारतीय चंद सोर को भी अपने राज्य में मिला दिया, सीरा को भी अपने राज्य में मिला दिया, इधर डुंगरा बसेड़ा नाम के व्यक्ति को उधर उन्होंने अपना सामंत भी नियुक्त कर दिया था और बाकी वापिस पहुंच गए। भारतीय चंद रत्नचंद की बहादुरी देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ था, इसलिए 1450 में इसने जीते जी अपने बेटे को राजा बना दिया था और अगला शासक हमारे पास आ गया था कौन सा, तो रत्नचंद इसी का बेटा है। देखो भारतीय चंद का ही जो बेटा हुआ वो हुआ रत्नचंद, 1450 में ये शासक बना और 1450 से लेके 1488 तक राज करेगा अगला जो शासक था वो था रत्नचंद। अभी तक ध्यान रखना कोई ऐसा शासक नहीं आया जिसने गढ़वाल पे अटैक किया हो, जितने भी ये राजा है भाई पहला ही बड़ा अटैक हो रहा है डोटी पे, अभी तो डोटी ही चल रहा है तो गढ़वाल पे अटैक नहीं किया। जब कीर्तिचंद आएगा कीर्तिचंद आके गढ़वाल अजयपाल पे अटैक करेगा, अभी तक किसी राजा ने गढ़वाल की तरफ नहीं देखा था, उधर ही अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। डोटी सोर सीरा सबको जीत गए थे, लेकिन प्रॉब्लम हो गई देखो इसके बाद। जैसा ही क्या हो गया, यहां पर इन तीनों राज्यों को जीता, अपने सामंत नियुक्त किए, रत्नचंद वापिस अपने यहां एंटर किया, तो ऐसे ही रत्नचंद के टाइम पे वापिस विद्रोह हो गया था तीनों राज्य के अंदर।
इधर फिर से वापिस मल्ल वंश के राजा वो फिर से एंट्री कर, तो ऐसे ही कुछ चल रहा। देखो रतनचंद आएगा, इधर विद्रोह होगा, फिर वो यहां से जाके देखो भगाएगा, बाकी यह स्टार्ट हो गया था। फिर बाद में एक राजा आता है शोभामल, मल्लवंश का ही शासक था शोभामल, इसने कोशिश करी थी, तो बहुत लंबा संघर्ष है, देखो चंदो और मल्लों के बीच में बहुत लंबा संघर्ष चलेगा। बाकी ये शोभामल ने कोशिश करी थी कि इनके साथ कुछ वैवाहिक संबंध बनाए जाए, तो मल्लों का फिर वैवाहिक संबंध भी हो गया था कुछ टाइम के लिए, देखो ओके रह गया था शोभामल के टाइम पे। लेकिन फिर आखिर में इनका लास्ट राजा है हरिमल, उसको पढ़ेंगे बाद में रुद्रचंद के टाइम, 1590 के अंदर वो जो रुद्रचंद नाम का शासक था, इसने हरिमल को हरा के, इस रिश्ते में इसका मामा ही लगता था हरिमल, देखो हरिमल को हराकर पूरा का पूरा ये जो विवाद चल रहा था इस विवाद को खत्म किया। तो नेक्स्ट टाइम पे इसके बाद के जो राजा रहेंगे कीर्तिचंद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर देखते हैं गढ़वाल के साथ इनका जो युद्ध है वो किस प्रकार से होता है। अभी तक ये शासकों में से सबसे महत्वपूर्ण जो शासक आया वो भारतीचंद, यही शासक अपने पास देखने को